हेलो जनर्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने हमारा ये साइड बार बना बना लिया था। अब इसमें हमने अब यहाँ पे इसकी कोडिंग करनी है, ये वाला, ठीक है। डेटाबेस से कैसे बुक हम फेच करेंगे ये देखेंगे। तो अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं, साइनअप पेज की, ठीक है। तो देन हमें करना क्या है इसके लिए, ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू लॉग इन फर्स्ट, इट्स नॉट दैट नेसेसरी, ओके। तो अब यहाँ पे हमने इस इंडेक्स डॉट पी एच पी की कोडिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए अब क्या करना है हमें कि यहाँ आना है, ये हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है। अब यहाँ पे इस डी आई वी क्लास कॉल एस एम नाइन के नीचे यहाँ पे हमने लिखना है एक डी आई वी क्लास, बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अब इसकी मैं यहाँ पे डॉट क्लास दे देता हूँ, समथिंग कुछ समथिंग कुछ भी टैग, यहाँ क्लास मैंने टैग दे दिया। अब इस टैग की देखो यहाँ पे क्या होगा जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो ये ऐसा आया। अब इसे कोडिंग करनी है, इसकी स्टाइलिंग करनी है हमें, और ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, देखो ये ऐसा। अब क्या करेंगे ना, इसके लिए हम हेडर डॉट पी एच पी में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग सेक्शन में आएंगे हम। यहाँ पे हमने डॉट टैग सेलेक्ट करना है और इसके बीच की कोडिंग करनी है। विड्थ रखनी है 100%, ठीक है, और डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन टेबल कर देना है हमने, इनलाइन टेबल। देखो इससे क्या होगा, अभी तक कुछ इसका इफेक्ट नहीं दिखा, बिकॉज देखो अब यहाँ पे इसकी मैंने हाइट रखी और इसका एक बैकग्राउंड कलर देना है डिम ग्रे, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई, ग्रे, डिम ग्रे। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये ऐसा कुछ बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, जो बेस्ट सेलर है हमारा ना, ये बीच में आना चाहिए, राइट। इसके लिए हमें करना है यहाँ पे, इसका लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, सेंटर करेंगे, देखो ये ऐसा। अब ये जो बेस्ट सेलर है ना, इसका फॉन्ट वेट हमें करना है, यहाँ पे लिखना है फॉन्ट वेट बोल्ड, देन कलर इसकी कर देनी है वाइट, WHIT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हमारा बेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम इस बुक को, ये वाले बुक्स को फेच करना है, तो ये हमारा डेटाबेस हम खोल लेते हैं यहाँ पे पहले, लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन, तो यहाँ पे अब हमारा ये है बुक स्टोर, ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने ना बुक्स इस टेबल से, इस टेबल का डेटा हमें वहाँ पे शो करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बुक्स की मैंने यहाँ पे बुक आईडी, बुक नेम, बुक इमेज है, ऑथर है, आईएसबीएन, प्राइस, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें पहले से बुक्स स्टोर है, तो अब इसे फेच कैसे करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम हमारे इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल पे, इस रो के अंदर यहाँ पे हमने पी एच पी की कोडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे और इसे बंद, और इसके बीच में हमने कोडिंग करनी है, ठीक है, बुक को फेच करने की कोडिंग। तो सबसे पहले हमें बुक फेच करने के लिए चाहिए क्या, हेडर डॉट पी एच पी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ना ऊपर। अब देखो हेडर डॉट पी एच पी में ऊपर जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहीं पे, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का डेटाबेस को इंक्लूड नहीं किया, तो मैं यहीं पर करता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे रिक्वायर वंस, अब कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी इसके जस्ट एक ऊपर है, एक डायरेक्टरी ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग पी एच पी, तो ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ से आ गया, ये फाइल हमारे पास आ गया, ये वाला फाइल लिंक हमारे पास आ गया। अब हम इस लिंक को यहाँ पे यूज करेंगे डेटाबेस से फेच करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे एक एसक्यूएल ले लेना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे, बुक्स से, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, ओके।
अब देखो यहाँ पे ये हमारा बेस्ट सेलर है ना, राइट। तो देन अभी हमने ना लिमिट कर देना है, बस लिमिट 6 क्या होगा, यहाँ पे हम कितना भी लिमिट डाल सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैंने यहाँ पे अभी 6 ही रखा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स लिमिट 6, ठीक है। देन अभी देखो इससे क्या होगा, तो ना यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये बेस्ट सेलर की ही बुक्स को हमें यहाँ पे फेच करना है। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट सेलर के लिए जो देखो कैटेगरी BS जो है जितनी भी है ना, ये बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी है। तो मुझे ना तो यहाँ पे बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी को फेच करना है। तो यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, इसे हटा देते हैं अभी फिलहाल, वेयर वेयर कैटेगरी CATEGOR कैटेगरी इक्वल टू BS, ओके BS, फिर ऑर्डर बाय ORDR ऑर्डर बाय बाई बुक आई डी, ठीक है, बुक आई डी ASC ऐसा असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ओके। देन हमारा अब ये काम करेगा क्योंकि बुक आईडी असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स ये हमारा जो बुक आईडी है ये वाला, ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा। तो अब ये यहाँ पे अब हमारा ये फेच होने वाला है। देन हमने यहाँ पे ये कमांड लिख लिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब देखो MySQLi, ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट में हमने करना है MySQLi क्वेरी, पहला जो इसमें होगा वो लिंक होगा और दूसरा होगा SQL स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब यहाँ पे हमने इफ यहाँ पे करना है व्हाइल MySQLi फेच अरे रिजल्ट, ये रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे पास करवाना है। सबसे आगे यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेना है रो, इस वेरिएबल से हम डेटाबेस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। वैल रो इज इक्वल टू MySQLi फेच अरे रिजल्ट। देन यहाँ पे हमने अब यहाँ पे ना एक वेरिएबल लेना है आउटपुट आउटपुट, और इसमें हमें स्टोर करवाना है क्या, इसे सिंगल कोट में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये रो है ना, ये DIV क्लास रो है, इसके सबसे पहले हमें यहाँ पे अब करना है DIV क्लास, सॉरी क्लास कॉल SM4 ये करना है हमें, ठीक है। अब इसके नीचे हमें यहाँ पे इमेज RC में लिखना है यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट डबल डॉट, और इसके बीच में लिखना है रो बुक आईडी, ओके इमेज लाना ना, तो बुक इमेज, तो बुक इमेज का जो ये इंडेक्स नेम है वो क्या है, ये इमेज है, तो इमेज लिखना वहां पे IMG, ठीक है, ऐसा कुछ ये ऐसा यहाँ से फेच होगा। अब यहाँ पे ये इमेज SRC का ये हो क्या, और अब इसकी विड्थ दे देनी है, हमने कितना रखा हुआ है, लेट मी सी, हाइट 200 और विड्थ 80%, तो हाइट विड्थ हमने यहाँ पे रखना 80% और हाइट, ये हो गया, ये हमारा इमेज आ गया। अब इमेज के नीचे हमें क्या रखना है, H5 में हमने रखना है बुक का नेम, बुक के नेम के बाद ऑथर का नेम और प्राइस। तो चलो यहाँ पे आते हैं फिर से, अब इसके नीचे क्या करेंगे, H5 फॉन्ट साइज स्टाइल में लिखना है हमें इसे, फॉन्ट साइज लार्ज, ओके बुक का नेम है तो लार्ज रखना है। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, मीडियम एक्स स्मॉल और लार्ज है, तो यहाँ पे मैं मीडियम ही कर देता हूँ, ठीक है, मीडियम MED
हो गया। अब इसके बीच में हमने कंट्रोल जेड एम डी, इसके बीच में हमें लिखना है क्या के बीच में, यहाँ पे बीच में हमें बुक का नेम लिखना है, तो सिंगल कोट डबल डॉट और इसके बीच में वो वेरिएबल रो नेम है ना, तो यहाँ पे इसके बीच में सिंगल कोट में बुक का नेम लिखना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब हम करते हैं कॉपी, नीचे हमें करना है इसे पेस्ट, ओके। देन अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल, ये ऑथर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर नेम, ऑथर नेम का जो फील्ड का नेम है वो क्या है हमारे पास, बुक नेम ऑथर का, ऑथर ही। देन यहाँ पे हमने बस यहाँ पे ऑथर लिख देना है, ए यू। अब इसके बाद हमने फिर से इसे करना है पेस्ट, और फॉन्ट साइज इस बार है एक्स लार्जर ना, समथिंग लार्जर, ओके, फॉन्ट साइज लार्जर। देन यहाँ पे मुझे लिख देना है लार्जर, यहाँ पे प्राइस ना, तो प्राइस लिखना है यहाँ पे, प्राइस। अब क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है इस इंडेक्स में, यहाँ पे मैंने यूज किया है, सॉरी, कि इस इंडेक्स में हमने यूज किया है रुपीज वाला सिंबल दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे इसे, इस कोड को करना है कॉपी, और यहाँ पे कर देना है हमें बेस्ट प्राइस के पहले यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, और ये काम करेगा, ठीक है। ये आउटपुट में अभी हमारा यहाँ तक आ चुका है। देन अब इसके नीचे हमें क्या करना है कि हमने ना एक फॉर्म क्रिएट करना है यहाँ पे। देखो इसका क्या मतलब होगा, इस फॉर्म का आते हैं और एक फॉर्म, फॉर्म काम करते हैं यहाँ पे, ये ऑटो सजेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं इसे हटा देता हूँ, और मैं बाद में वो एक सिंगल कोट लगा दूंगा। तो फॉर्म, फॉर्म नेम, फॉर्म का नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसे पीएचपी बंद कर देता हूँ। अब फॉर्म नेम होगा हमारा फॉर्म समथिंग, और मेथड हो जाएगा इसका पोस्ट, मेथड पोस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्म यहाँ पे क्लोज कर लेना है। अब इसके नीचे हमने इनपुट फील्ड रखना है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं इनपुट, सॉरी कंट्रोल जेड, इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप हिडन रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों करना है, अब ये नेम जो है हमारा, अब नेम क्या रखना है यहाँ पे देखते हैं, जो इनपुट टाइप हिडन का नेम बुक आईडी, और आईडी जो इसकी देनी है वो भी बुक आईडी देनी है, तो यहाँ पे नेम जो है हमारा है इसकी बुक आईडी, और इसकी आईडी भी हमें रखनी है बुक, और उसके साथ हमने मर्ज करना है यहाँ पे रो बुक आईडी के साथ। देन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये बुक आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोट, सिंगल कोट, और यहाँ पे डबल डॉट सॉरी, इसके बाद ठीक है डॉट सिंगल कोट डबल डॉट समथिंग ऐसा ही था। यहाँ पे देखते हैं लॉगिन, ओके, यहाँ पे है बुक आईडी सिंगल कोट समथिंग, ये है ऐसा है। तो अबे हम यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे कि ये बुक आईडी के बाद यहाँ पे सिंगल कोट होगा, फिर से सिंगल कोट, फिर यहाँ पे दो डॉट, और यहाँ पे लिखना है हमें लेट मी सी, मैं इसे बना लेता हूँ फिर बताऊँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमारा सही था, यहाँ पे अब इसके बीच में हमें यहाँ पे लिखना है बुक आईडी, ये जो सिंगल कोट है यहाँ पे, ये वाला डबल कोट भी हटा देना है हमें, ठीक है। अब ये सही है, अब यहाँ पे
यहाँ पे सिंगल कोट ये खत्म होगा, ये हो गया पहला, ठीक है। इसकी आईडी भी हमने ये रख दिया, और हमें क्या रखना है इसके साथ, चलो देखते हैं, और कुछ नहीं रखना हमें। इनपुट टाइप हिडन नेम बुक आईडी, आईडी भी है इसकी यही रहेगी, और वैल्यू में रो बुक आईडी डालना है, तो ठीक है चलो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे भी सिंगल कोट डबल कोट रो, कोर्ट में बुक आईडी, बुक आईडी ठीक है। अब इसे ना कॉपी करना है हमें, इसी चीज को कॉपी करना है और तीन चार बार करना है पेस्ट, थ्री टाइम्स समथिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 देन यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स आ गया, ओके ये 1 2 3 एंड 4 ओके। अब ये इसकी भी इनपुट हिडन रहेगी, इसकी इसका नेम रहेगा बुक आईडी नहीं, इसका नेम रहेगा बुक नेम, और यहाँ पे बुक आईडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुक नेम, ठीक है। अब इनपुट टाइप हिडन इसका बुक नेम के बाद है बुक प्राइस समथिंग ऐसा होगा, ओके बुक आईडी, फिर बुक नेम है ठीक है, और फिर इमेज और प्राइस, तो यहाँ पे हमें उसी तरह से चेंज कर लेना है। तो इसकी वैल्यू बुक आईडी नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी बुक नेम, ठीक है, और यहाँ पे रो बुक आईडी ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इनपुट टाइप हिडन, अब इसका नेम रहेगा बुक इमेज, तो इसके नाम था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज, आईडी क्या रहेगी इसकी इमेज, यहाँ पे इमेज के साथ फिर रो बुक आईडी रहेगा, और वैल्यू यहाँ पे रहेगा इमेज, ठीक है। अब इनपुट टाइप हिडन प्राइस है हमारा, तो नेम इसका क्या रहेगा प्राइस, प्राइस आईडी इसकी क्या रहेगी बुक आईडी नहीं, प्राइस फिर बुक आईडी, प्राइस और वो बुक आईडी, ठीक है, और उसकी वैल्यू रहेगी प्राइस समथिंग ऐसा। ये क्यों कर रहा हूँ अभी बताते हैं, तो ये रो बुक आईडी है, वैल्यू रो प्राइस है, समथिंग ऐसा है, सब कुछ सही है। तो अब ये फॉर्म बंद होने से पहले हमें चेक करना है कि यूज़र अगर लॉग इन है देन ऐसा और नहीं है देन ऐसा। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक ऐसा बना के तैयार कर लिया, अगर अभी यहाँ पे मैं इसे सिंगल कोट लगा देता हूँ जो मैंने हटा दिया था यहाँ से, और इस PHP को हटा देता हूँ, तो देखो अभी सब सही, अभी सब सही दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, पहले तो मैंने ये डिस्प्ले के लिए किया ये तीन चीज़, और यहाँ पे जो मैंने फिर से फॉर्म बनाया ना हिडन हिडन फॉर्म, ये सारे हिडन रहेंगे, ये हमें दिखेंगे नहीं पेज पे, बट ये सारे वैल्यू कंटेन करके रहेंगे ना हिडन, इसी हिडन फील्ड की वैल्यू को हम जब ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यही सारे वैल्यूज वहाँ पे इंसर्ट होंगे डेटाबेस पे, इसलिए मैंने ये हिडन रखा है, ये यूजर को दिखेगा नहीं बट ये सारे वैल्यूज इंसर्ट होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन, और इसका नेम है बुक आईडी, और इसकी आईडी दे दी है मैंने बुक आईडी, और बुक आईडी और ये कॉन्कैटिनेट किया है मैंने इस PHP के वेरिएबल को, तो यहाँ पे इसलिए सिंगल कोट फिर डॉट रो बुक आईडी और दिस, और वैल्यू इसकी बुक आईडी ही रहेगी। फिर दूसरा इनपुट टाइप नेम, बुक नेम आईडी इसकी बुक नेम ही रहेगी, और इसका रो बुक आईडी, मैंने बुक नेम के साथ बाद फिर रो बुक आईडी सब में कॉन्कैटिनेट किया, ताकि जितने भी सारे बुक बार बार जितने भी पेज होंगे ना, सबका आईडी अलग अलग होगा, तो सबका जो सबका जो डिटेल्स होगा वो अलग अलग हो जाए, है ना, क्योंकि देखो सबका नेम बुक नेम ना रहे, है ना, सभी जितने भी, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से अगर आपको समझ पाओ, तो देखो इसे ये बुक है, इसमें जो हुआ होगा इसकी बुक आईडी इसके नेम के साथ भी, इसके इमेज के साथ, इसके प्राइस के साथ भी अटैच हुई होगी, तो इसका ये यूनिक बन गया इनका, इसका तीनों वैल्यू, उसी तरह इसका भी तीनों वैल्यू यूनिक बन गया, क्योंकि जब मैं इस ऐड टू कार्ड बटन पर क्लिक करूँगा तो वो ही हिडन वैल्यूज ही डेटाबेस में स्टोर होगा, हमारे कार्ट में स्टोर होगा, ठीक है, कार्ट वाले टेबल में स्टोर होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे तीनों हिडन टाइप रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पार्ट में हम इस पार्ट में इतनी ही रखते हैं, इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे की कोडिंग करते हैं, ठीक है, थैंक यू।